हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू द चैनल प्रति प्लैनेट। आज हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे और ये है बायोटिक का बायो इबोनी हेयर सीरम। ये क्लेम करता है कि ये हेयर फॉलिंग को कंट्रोल करता है। तो फिर चलिए इसका रिव्यू करने से पहले इसको देख लेते हैं कि इसका पैकेजिंग कैसा है। आप देख सकते हो ये ऐसा ही जैसे कि हर बायोटिक प्रोडक्ट जैसे पैकेजिंग में आता है, वो भी ये भी वही सेम पैकेजिंग में ही आता है। और इसका इसके ऊपर भी एक कार्डबोर्ड का एक कवर था जो कि मैं इसको बहुत दिनों से यूज कर करके वो मतलब मेरा कहाँ पे गुम गया है वो अभी नहीं है। तो ये और एक पैकेज में भर्ती होकर आता है। जैसे ही बायोटिक का दूसरा प्रोडक्ट आता है वैसे ही सेम ही आता है। ये है वाइटलाइजिंग सीरम फॉर फॉलिंग हेयर और ये क्लेम करता है ये इंटेंस हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट के लिए भी ये काम करता है। और इसका जो इंग्रेडिएंट है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमारा है कंचर स्टीम, पुदीना ऑयल, कुसुम्बी ऑयल, नीम बार्क, पिपाली फ्रूट, मुलेठी स्टेम एंड प्यूरिफाइड वाटर, ये सब इसमें है। और ये भी क्लेम करता है कि ये हेल्प करता है आपका हेयर फॉल को कंट्रोल करने में। इसके साथ ये आपका हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है, मतलब आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और आपका न्यू हेयर ग्रोथ भी होगा इसको लगाने से। ये ऑर्गेनिकली प्योर है, ये किसी भी एनिमल पर टेस्टिंग नहीं हुआ है और उसके साथ ये डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड है फॉर सेफ्टी पर्पस। और अब आते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ कर इसका नाम तो सीरम है बट इसको हम सीरम के जैसे यूज़ करते नहीं हैं और ये सीरम का इफेक्ट भी नहीं देता है। जैसे कि हम सीरम को डैम्प हेयर में बाल धोने के बाद उसको डैम्प हेयर में यूज़ करते हैं और किसी भी हेयर सीरम को यूज़ करने के बाद, जैसे कि जो भी हेयर सीरम हो, मैक्रिक्स हो, लोरियल हो, जो भी हेयर सीरम हो, हम यूज़ करने के बाद हेयर में एक साइन आता है और वो ड्राई डैमेज हेयर भी होता है, वो थोड़ा अच्छा भी दिखता है। बट ये वैसा नहीं है क्योंकि ये हमारे हेयर लेंथ के लिए नहीं है, ये हमारे स्काल्प के लिए है। और इसको हम डैम्प हेयर में यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे ड्राई हेयर में और इसको मसाज करना होगा हमारे हेयर के स्काल्प में, मतलब इसको हम स्काल्प में मसाज करेंगे। तो फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए इसमें कैसा आता है, सही। और इसको ऐसे लेके ऑयल जैसा ऐसे ही स्काल्प पे मसाज करना है, इसको ऑयल जैसा ही स्काल्प में मसाज करना है। बट ये ऑयल की तरह बाल को चिपचिपा नहीं करता है, ये वाटर का जैसा ही है। आप इसको यूज़ करने के 5 से 10 मिनट के बाद ये सूख जाता है और आपका हेयर जैसे ही धोने के बाद जैसा फील होता है वैसा ही फील होता है, कुछ भी चिपचिपा कुछ भी फील नहीं होता है। बट आप अगर इसको सीरम समझ के खरीद रहे हो मार्केट में, जो दूसरे जो भी मार्केट में जो अलग तरह का सीरम है जनरली जो अवेलेबल है, जो भी सीरम, वो ऐसा नहीं काम करता। आप इसको यूज़ करने के बाद भी आपको सीरम अप्लाई करना पड़ेगा। ये स्पेशली फॉर स्काल्प के लिए है और ये हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए है। इसके साथ आपको फिर से दूसरा सीरम भी यूज़ करना पड़ेगा हेयर लेंथ के लिए। ये सिर्फ स्काल्प के लिए है, आप इसको हेयर लेंथ पे भी यूज़ कर सकते हो बट ये सीरम जैसा, नॉर्मल सीरम जैसा कुछ इफेक्ट नहीं देगा। और अब आते हैं इसके प्राइस पर। इसमें जो मेंशन किया गया है इसका प्राइस है 185, बट ये आपको 170 के आसपास मिल जाएगा और ऑफर प्राइस में ये आपको और भी कम प्राइस में भी मिल सकता है। और ये 100 ml का बोतल है, 100 ml का बोतल 185 जो कि करीबन 170 या फिर उससे कम भी आपको मिल सकता है। और जैसे कि ये क्लेम करता है कि ये इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट के लिए है, तो मैं मेरी बात बताऊँ तो मैं इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इतना ख़त्म हो गया है बट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं हुआ है। जैसे कि पहले लगा कि थोड़ा सा मतलब हेयर फॉल में कंट्रोल हो रहा है, बहुत थोड़ा सा, बट उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा कि जैसे था वैसे ही हो रहा है। और इसमें जो है हमारा हेयर रीग्रोथ का जो ये क्लेम कर रहा है, हेयर रीग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें। हाँ, हेयर फॉल को थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है बट इसमें हेयर रीग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आपका
ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आप कभी भी इसको नहीं खरीदें, आपका वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। ये ज़्यादा हेयर फॉल के लिए नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत बहुत कम ही हेयर फॉल हो रहा है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट ये लिखे हैं ये हमारे स्कैल्प के लिए अच्छा है, बट ये आपका हेयर फॉल को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करता है। अगर आपका बहुत ज़ोर से हेयर फॉल हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि इसको यूज़ करने से आपका हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर नॉर्मल जितना हेयर फॉल होता है उतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देता है। किसी किसी को भी इफ़ेक्ट दिया होगा, उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकती, बट मेरे लिए ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है। और इसके पैकेजिंग में भी मैं इतना भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि बायोटिक का तो हर प्रोडक्ट ऐसे ही आता है, बट ये हम इसको स्कार्ट में यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत मतलब वेस्ट हो जाता है। इसको हाथ में लेके इसे लगाने से ये इसके पैकेजिंग को भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकते तो बहुत अच्छा होता। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो मस्ट ही करना प्लीज़, क्योंकि इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करना नहीं पड़ रहा है। तो उस रेड का बटन को पटक से दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। See you in my next video. Till then, bye bye.